हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न खंड की बात कर रहे थे, तो उसी प्रश्न खंड को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको पराग संवर्धन संबंधी बता दिया गया था, ब्लू पॉज संवर्धन संबंधी आपको बता दिया गया था, मेरिस्टेम संवर्धन संबंधी आपको बता दिया गया था। शायद आप उनको समझ चुके होंगे, फिर भी आपको समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब उसी से संबंधित प्रश्न खंड में कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। नंबर 1, ये भी एक प्रकार से एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको आप हल कर पाएंगे। मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ब्लू पॉज में गुण सूत्रों की संख्या, गुण सूत्रों की संख्या 21 है, तो भ्रूण व युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या क्या होगी? ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है, इसको आप हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं, तो आप किस प्रकार आप हल करेंगे वो ध्यान रखना है। भ्रूण पोष में गुण सूत्रों की संख्या कितनी है? 21। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इसको हल कर रहे हैं यहां पर, कि भ्रूण पोष में गुण सूत्रों की संख्या आपको बताया गया था कि भ्रूण पोष की सूत्र गुणता क्या होती है? त्रिगुणित होती है, 3n। तो 3n बराबर कितना है? 21 है, ध्यान रखना है। 3n बराबर कितना है? 21। तो हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर कितने हो गए? 7। ये आपको ध्यान रखना है, यहां n बराबर कितने आ गए? 7 आ गए, क्योंकि भ्रूण पोष में आपको बता दिया गया था 21 गुण सूत्र है। हमें ज्ञात करना है भ्रूण और युग्मक में, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा गया है भ्रूण के अंदर और युग्मक में, इसमें पूछा गया है। अब आपको ध्यान है भ्रूण में निकालना है, आपको ध्यान है भ्रूण कैसा होता है? द्विगुणित होता है, 2n। तो 2 गुणा n का मान कितना है? 7। तो कितने हो गया? 14। तो आपका आंसर भ्रूण में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। युग्मक की बात करें, युग्मक की बात करें तो युग्मक आपको ध्यान है कैसा होता है? अगुणित होता है। ध्यान रहे कि युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित होता है, एन होता है। तो आपके पास एन बराबर कितना है? 7। तो यहां पर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। तो अपने पास जो आंसर है, यहां पर भ्रूण के अंदर कितनी है? 14 होगा, और यहां पर कितना होगा? 7 होगा। तो ये अपना आंसर है जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मैं आपको और प्रश्न हल करवाता हूं, इसी प्रकार को से इस प्रश्न को घुमा भी सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा गया किसी आवर्त बीजी पादप, किसी आवर्त बीजी पादप पादप के युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या, गुण सूत्रों की संख्या 5 है,
तो गुण प्लस जड़ भ्रण में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, इस प्रकार से पूछ सकता है, आपको धड़कना है। आपको बताया कि युग्मक में, आपको ध्यान है युग्मक, युग्मक कैसा होता है, n होता है, तो n बराबर कितना है, आप पांच है, फाइव है। तो हमें पूछा गया है गुणपास जड़ के अंदर पूछा गया है, ढूंढ भी पूछा गया है। अब n का मान यहां पर कितना है, पांच है। आपको ध्यान है कि गुणपास गुणपास सूत्र गुणता क्या होती है, तीन है, त्रिगुणिता आपको बताया गया था। तो n का मान अपने पास कितना है, फाइव है, तो थ्री इंटू फाइव, तो गुण पौष में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी, पंद्रह होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां पर गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी, पंद्रह होगी। अब हम बात करते हैं जड़ की, पादप का शरीर होता है जो कायिक सेल है वो कैसी होती है, ट्वेन होती है, द्विगुणित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो n का मान 5 है, तो 2 इंटू फाइव, तो जड़ के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कितना होगा, 10। इसी प्रकार से आप भ्रूणों में निकालना है, भ्रूण कैसा होता है, तो एन द्विगुणित होता है, तो एन का मान कितना है, फाइव है, टू इंटू फाइव कितना होगा, टेन। तो यहां पर भ्रूण के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, टेन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे अपने एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करना है, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको समस्या नहीं आएगी, बस आपको टॉपिक क्लियर रखें, उस टॉपिक आधारित जो भी क्वेश्चन आए उनको आप हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।